हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, स्पेशली अगर हम टेट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, एचपी जो आपका टेट होता है उसमें आपका एक क्वेश्चन संसद से रिलेटेड पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, और जिन देशों की संसद के नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो आज हम इसको देखने वाले हैं। छोटी सी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, साथ ही आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। पहला प्रश्न है, अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है? तो अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि नेशनल कांग्रेस के नाम से ही जाना जाता है अर्जेंटीना की संसद को। साथ ही जिन देशों की संसद आप लिख रहे हैं उसकी करेंसी भी आप उसके आगे लिख लेना, खुद से सर्च कर लीजिएगा, आपको ये आराम से गूगल पर मिल जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश की संसद का नाम भी पूछा जा सकता है, तो बांग्लादेश की जो संसद का नाम है वो है आपकी जातीय संसद, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील की संसद का नाम भी क्या है? तो ये भी आपकी नेशनल जो आपकी कांग्रेस है ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने याद रखना है। ब्राज़ील की संसद का नाम भी क्या है आपका? तो ये आपका नेशनल कांग्रेस है। भूटान की संसद का नाम तो सोंगड़ू आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, ये आपने याद रखना है। जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनकी संसद के नाम ही आपके अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। वहीं ब्रिटेन की संसद का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ब्रिटेन की संसद का नाम आपका संसद ही है। जैसे कि भारत की संसद का नाम भी क्या है? संसद है। जैसे भारत में दो सदन है वैसे ब्रिटेन में भी दो सदन है, क्योंकि इसी की तर्ज पर जो है भारत में भी इसको अपनाया गया है। एक है आपका हाउस ऑफ कॉमन और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है चीन की संसद के नाम की बात करें, तो चीन की जो संसद है यानी कि चाइना की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल काउंसिल, तो ये है आपकी चाइना की संसद का नाम, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना है। हो सकता है आपसे जर्मनी की संसद भी पूछी जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो में जर्मनी की संसद भी आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। छोटी सी वीडियो रहेगी, एक बार फिर से कह रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा, आपको डायरेक्ट इसमें नॉलेज मिल रही है, कोई एक्स्ट्रा मैं फैक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? तो अगर आप देख सकते हैं बुंडेस्टैग आपकी जो है जर्मनी की संसद का नाम है। इम्पोर्टेंट जितने हैं वही आपको मैं करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ग्रीस के संसद का नाम क्या है? तो ग्रीस के संसद का नाम आप देख सकते हैं चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़, आप इम्पोर्टेंट है देख लेना। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस बार संभावना है, थोड़े से क्वेश्चन आपके अलग देखने को मिल सकते हैं टेट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें। इसराइल की संसद का नाम पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसराइल की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए। इसके अलावा ईरान की संसद मजलिस, ये भी आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, जिन्होंने वर्ड क्वेश्चन पेपर देखे उन सभी को पता होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट जितने थे वही इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इटली की संसद, ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, इसको भी आप चेक कर लेना। तो ये क्या है? इटली की संसद का नाम है आपकी सीनेट। उसी तरह जो जापान की संसद, ये तो आपका मैक्सिमम 4 से 5 बार अगर आप लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, किसी भी स्ट्रीम का उठा लेना, ये क्वेश्चन आपको जो है उसमें कम से कम 4 से 5 बार देखने को मिलेगा। तो जापान की जो संसद है उसका क्या नाम है? जापान की संसद का नाम है डाइट, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो आप जो लिख लेना, बाकी जितने इम्पोर्टेंट थे वो तो आपको मैंने बता दिए। तो ये आपके साथ मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, इसमें से आप जो है जिसके लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। आपको ये लिस्ट जो है वैसे नेट पे भी कहीं भी मिल जाएगी, पर जो इम्पोर्टेंट थे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो मुझे लगता है जहाँ से आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप जो है ये बाकी देशों की संसद के नाम भी आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो आप इसका आराम से ले सकते हैं। हालांकि आपको एक बार जो है रीडिंग इसमें कर लेनी चाहिए, इसमें ग्रीस की संसद है जैसे कि डेपुटीज के चैम्बर, तो ये इस तरह से आगे पीछे ये हो सकता है, ये आपने देख लेना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा लग्जमबर्ग की भी आपकी यही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। इसके अलावा बाकी जितने भी देश है सभी की मैंने आपके साथ अपनी ओर से शेयर कर दी है, जिसकी याद रख सको रख लेना, बाकी जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अभी कुछ दिन तक जो है हो सकता है आपको वीडियो कुछ इस तरह से ही मिले, पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से आपका डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो ये संसद से आपका डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, संसद आपकी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। साथ ही इन देशों की संसद की जितनी भी करेंसियाँ हैं वो भी आप जो है इनके साथ आगे जो एक कॉलम में आप जगह छोड़ देना, उसके बाद सर्च करके आप उनको लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।